नमस्ते, हिंदी क्लास में सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं। पहले हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वह शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता हो, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात वो शब्द जो किसी पदार्थ या फिर चीज का भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स इमटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आइटम्स, दैट इज things that we can't actually interact with using our five senses. Abstract nouns are things like ideas, concepts, feelings and traits. Jaise phalai means goodness, azadi means freedom. Jisse kisi bhav अथवा सामान्य गुण का बोध होता है, न कि किसी भौतिक वस्तु का, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं। ए संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव तथा क्रियाओं में मीन्स इन वर्ब्स, ई त्वा ता पन पा आवट आहट त्या आदि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे लंबा प्लस ई लंबाई, प्रभु प्लस त्वा प्रभुत्व, पशु प्लस ता पशुता, तीखा प्लस पन तीखापन, मोटा प्लस पा मोटापा, थकना प्लस आवट थकावट, खबरा प्लस आहट खबराहट, पंडित प्लस त्या पांडित्य। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा शब्दों से बनी कुछ भाववाचक संज्ञाएं। अतिथि आदित्य, अमर अमरत्व, ईश्वर ऐश्वर्य, कुमार कौमार्य, चोर चोरी, मनुष्य मनुष्यत्व और मनुष्यता, दास दासता, आत्मी आत्मीयत, इंसान इंसानियत, कृषक कृषि, कारीगर कारीगरी, चिकित्सक चिकित्सा, मानव मानवता, देव देवत्व, नारी नारीत्व, पुरुष पुरुषत्व, बालक बालकपन, व्यक्ति व्यक्तित्व, वकील वकालत, पंडित पांडित्य और पंडिताई, सुजन सौजन्य, सज्जन सज्जनता, मित्र मित्रता, शिशु शिशुता अथवा शैशव, बाल बालपन, भाई भाईचारा, राष्ट्र राष्ट्रीयता, प्रभु प्रभुत्व अथवा प्रभुता, बच्चा बचपन, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, वीर वीरता, लड़का लड़कपन, स्वामी
स्वामित्व, साधु साधुता, भ्राता भ्रातृत्व, शत्रु शत्रुता, सेवक सेवा, रंग रंगत, बूढ़ा बूढ़ापा, नृप नृपत्व, प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व। अब पढ़ते हैं सर्वनाम से यानी प्रोनाउन से बनी भाववाचक संज्ञाएं। निज निजता, अहम अहंकार, पराया परायापन, अपना अपनत्व, तत् तत्व, मम ममता, स्व स्वत्व, सर्व सर्वस्व। विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।